नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। बातीवाला में ग्रामीणों व वार्ड पंचों ने किया सरपंच की अध्यक्षता वाली मीटिंग का बहिष्कार। सरपंच ने जारी किया वीडियो, कहा नहीं करने देते मीटिंग, मिल रही है धमकियां, जान को खतरा। कौन से वार्ड से? आपके ग्राम पंचायत में ये जो चल रही है डिस्टरबेंस, इससे आपको कोई समस्याएं आ रही हैं क्या? ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के लोगों को, आपके वार्ड के लोगों को क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? समस्या ये है, सरपंच के मेरे और थाना चावा में सर कोई मीटिंग बोल करा सरपंच सागर। तो आप लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं, उसे आप संबंधित अधिकारियों को और मीटिंगों में ये अवगत कराते हो कि ये जो समस्याएं हमारे वार्ड के लोगों को आ रही हैं, तो कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं? कोई एक दो समस्या बता सकते हो आप? बस आई है सरपंच में, सरपंच ने हटाना चाहा में, ये कोई सरपंच मीटिंग बोल करना चाहा। कोई ऐसा हो किसी का कोई काम अटक रहा हो, कोई किसी काम की वजह से आप उसको हटाना? कोई मीटिंग में सरपंच, कोई मीटिंग में कौन है, जितनी मीटिंग में जितनी सरपंच आए कौन काम अटक रहे हैं? हाँ, अभी दूसरी बात है, मेरे वार्ड पंच हमारी कोई तनख्वाह कौन है, ले गए बस आप। हाँ, जद करके भी आपकी खर्च कर ली, हमारा पैसा कौन है? श्री विजयनगर के बातीवाला ग्राम पंचायत में सरपंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए वार्ड पंचों व ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। सरपंच की अध्यक्षता में होने वाली मीटिंग का बहिष्कार करते हुए सरपंच की शक्तियाँ निलंबित करने की मांग की। गांव 7 APD बातीवाला में बीते कुछ समय से ग्रामीणों व समस्त वार्ड पंचों द्वारा सरपंच सुनील कुमार का विरोध करते हुए मीटिंग का बहिष्कार किया जा रहा है। पिछली सब मीटिंग का बहिष्कार किया है। पहले धरना प्रदर्शन में प्रशासन आया था और विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आश्वासन दिया था कि 5 दिनों से आपकी मांगों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक उनकी समस्याओं पर गौर नहीं किया जा रहा। ग्रामीण सरपंच को हटाने की मांग कर रही हैं। हालांकि सरपंच सुनील कुमार ने भी वीडियो जारी करते हुए ग्रामीण लोगों पर पंचायत में नहीं आने देने व मीटिंग नहीं करने देने के आरोप लगाए हैं। इसके चलते ग्रामीण विकास के काम में बाधा आ सकती है, लोगों को परेशानी हो रही है। बैठक ना करने दो विषय में, और जो अपना मांग पत्र है वो विकास अधिकारी के नाम से मुझे दिया है, जो कि मैं अवश्य करवाया था श्रीमान जी को फॉरवर्डिंग लेटर के साथ। आज बैठक हुई या नहीं हुई? आज तो इनके अंदर ये दर्ज किया गया है कि भाई हम इस जो जो गैप मांग पत्र उन्होंने दिया था वो मांग पत्र से करवाई रजिस्टर में और ग्रामीणों के द्वारा उनके साइन है उसके ऊपर। अब आगे की क्या कार्रवाई है? ये लोग देखो, हम आगे इसको फॉरवर्ड कर देंगे ऊपर विकास अधिकारी के माध्यम से, जो भी आगे सीओ साहब के पास जाएगा वो तो। ग्रामीण विकास के कुछ कोई काम अटके हुए हैं किसी के या नहीं अटके हुए? कोई तो कोई काम हो, किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस नहीं है? डिस्टरबेंस तो है ही, जैसे काम के करवाने वाले हैं तो वो तो जब तक ये सब मामला दिक्कतें आ रही हैं नहीं शॉर्ट आउट होता है तब तक। ठीक, कार्यवाही तो कुछ भी नहीं कह सकते अपने इसको, जो सरपंच के साथ हमारा बैठक न करने का जो था ज्ञापन मैंने दिया था वीडियो साहब को, तो उसी के बारे में आज हमने उसको दर्ज करवा दिया यहाँ पे, और कार्रवाई भी नहीं बोल सकते उसको, वो दर्ज ही हुआ है खाली। और नहीं, उसका बहिष्कार भी नहीं बोल सकते अपने और मीटिंग भी नहीं बोल सकते हैं। ज्ञापन दे दिया था हमने आज 2 दिन पहले, हमने हमारी उपस्थिति दर्ज करवा दी और जो बैठक का ज्ञापन था वो दिया हुआ था पहले ही हमने। ये धरना प्रदर्शन है जो सरपंच के विरोध में है, तो जब तक इन गांव वालों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक रहेगा। मांगे जो सरपंच जो पद है वो सरपंच को नहीं चाहते हैं अभी गांव वाले सभी। नहीं, मीटिंगें नए होने की वजह से कोई कार्य नहीं अटके हुए बोल सकते अपने, क्योंकि पीछे जो प्रस्ताव लिए हुए हैं वो कार्य जब तक पूरे होंगे तब तक मुझे लगता है ये हो जाएगा सही। नहीं, पीछे के काम पेंडिंग है, 12 महीने से पेंडिंग चलते आ रहे हैं काम। फिलहाल पेंडिंग ही चल रहे हैं। नहीं, 12 महीने से पेंडिंग है, क्योंकि जो मैंने प्रस्ताव समस्याएं जो आ रही है वो आप पूछ सकते हो ग्रामवासियों से, मेरे को शायद नज़र नहीं आई है, बाकी मेरे से ज़्यादा गाँव में पता करने से पता चल जाएगा आपको। ये हमारी मुख्य तो मांग ये है, अभी सरपंच को हमें अविश्वास प्रस्ताव से निरस्त करना चाहते हैं, गांव का पूरे का ये निर्णय है जी। और जब तक हमारा ये धरना जब तक चलेगा, जब तक सरपंच को हम सरपंच पद से ना हटा पाएंगे, जब तक
किस वजह से आप लोग ये धरना प्रदर्शन करते हैं और क्यों हटाना चाहते हैं सरपंच? इन्होंने हमारे सरपंच ने जो हमारे गांव की और बहन बेटियों जो घिनौनी हरकत की है उसी वजह से हम हटाना चाहते हैं। कोई ग्रामीण विकास के जो काम है वो अटकते हैं या कोई गांव में किसी प्रकार की समस्या आती है, कोई अन्य समस्या, कोई राजकीय काम है जो लोगों को जो काम होते हैं, सरकारी लाभ की योजनाएं होती हैं उनमें से किसी को कोई लाभ अटका है? देखिए कोई दिक्कतें आती हैं गांव में? देखिए मैं मीडिया को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में जो भी काम अटके हुए हैं वो हमारे पहली मीटिंग में हमने अधिकारियों को प्रस्ताव दिया था, उन्होंने हमारे को हम 5 दिन की वित्तीय पावर का कहा था, अभी 5 दिन में वीडियो चाहिए अपने आवास ले चाहे विकास अधिकारी उनके वो जिम्मेवारी ले, काम तो हमारे बहुत से अटके हुए हैं। अब कितने महीनों से आप लोगों के इस प्रकार डिस्टरबेंस की वजह से काम अटके हुए हैं? हमारे पीछे जो सरपंच बना है उससे बाद में हमारे काम अटके हुए हैं सब, और जो इन्होंने काम किया है वो अनलीगल काम किया है, कोई भी डिग्गी में यहाँ पर मास्क का दिया था, अभी मास्क वितरण किए थे उसमें इन्होंने बजट बना लिया, कोई मास्क वितरण नहीं हुआ है, कोई सैनिटाइजर वितरण नहीं हुआ, हमारे 10 से 20 ग्राम पंचायत में जो डिग्गी बनी है उसकी हमने RTI निकलवाई है, उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार खूब किया है। तो ग्रामीणों को इस प्रकार कितनी समस्याएं आ रही हैं और कब तक आपको ये धरना प्रदर्शन करते हुए हो गया है और आप सरकार से प्रशासन से आप क्या मांग करते हो? हमारी सरकार से यही आग्रह निवेदन है कि हमें सरपंच को इस पद से हटाना चाहते हैं और हमारा जो भी गांव का विकास है वो चाहे वीडियो अधिकारी ले, चाहे हमारा सेक्रेटरी ले, चाहे हमारे उप सरपंच साहब है उनको दे। आप किस कारण से हटाना चाहते हैं इनको सरपंच को? हम इस कारण से हटाना चाहते हैं क्योंकि सरपंच ने हमारे साथ एक ये घिनौनी हरकत की है, पूरे गांव के साथ बहन बेटी की इज्जत सबकी एक होती है, इसलिए हम उसको हटाना चाहते हैं और हटा के रहेंगे। अगर अगली मीटिंग में प्रशासन नहीं आया तो वो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, यहाँ पर कोई भी दुर्घटना घट सकती है। सरपंच सुनील कुमार ग्राम पंचायत शादी पीढ़ी बाकी वाला, मैंने कुछ समय पहले प्रेम विवाह किया था जिसमें इसके लड़की घरवाले और कुछ असामाजिक तत्व मेरा विरोध कर रहे हैं और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मुझे पंचायत में जाने से रोक रहे हैं और वो 5 और 20 को जो मीटिंग होती है उसमें जाने से रोक देते हैं और आगे धरना लगा के बैठ जाते हैं। मैंने पहले एक मीटिंग प्रशासन की मदद से करवाई और इस बार मैंने प्रशासन को करवाया, सुरक्षा हुई या नहीं हुई, इसलिए मैंने मीटिंग